सो हे गाइस, अनबॉक्सिंग फॉरएवर की एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, यहाँ पे मेरे पास है ओप्पो एक्नो M32, वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट अंडर 2000 रुपीज। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इसके फुल रिव्यू की, मेरे ओपिनियन की, क्या आपको परचेस करना चाहिए 2000 की प्राइसिंग के नीचे। सो चलो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एक्साइटेड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, चैनल पे अभी एक वीडियो गई है बेस्ट सेगमेंट अंडर 2000 की। तो अगर आप कोई सेगमेंट लेने वाले हो 2000 की प्राइसिंग के नीचे, तो वो वीडियो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसको चेकआउट कर लेना। और इस वीडियो पे अपने एक छोटा सा 120 लाइक्स का एम रखते हैं, तो लाइक बटन को प्रेस कर देना। अब चलो अपन फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके प्राइसिंग की। अगर आप इसको नॉर्मल डेज में बाय करोगे तो ये आपको 1800 रुपए की प्राइसिंग में देखने को मिलेगा। 1800 से ऊपर नहीं जाता ये नॉर्मली। लेकिन अगर आप इसे सेल में परचेस करने जाओगे तो ये आपको 1500-1600 रुपए की प्राइसिंग में मिल जाएगा। मैं यही सजेस्ट करूंगा, जब भी कोई सेल आए तब इसको परचेस करना, 200-300 रुपए सस्ता मिल जाएगा। अब अपन वन बाय वन सभी चीज के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं इसके डिजाइन की और बिल्ड क्वालिटी की। पोको M32 का भी कुछ इस टाइप का डिजाइन था, लेकिन यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, जो मॉड्यूल है, उसको थोड़ा सा बड़ा किया गया, थोड़ा सा चौड़ा किया गया और थोड़ा सा थिकनेस इसकी बढ़ा दी गई है। और इसका जो प्लास्टिक है वो मेरे को थोड़ा सा चीप लगा, बाकी ओवरऑल ये जो पार्ट है काफी अच्छा, काफी फ्लेक्सिबल और काफी अच्छी क्वालिटी का है। आप देख सकते हो प्रॉपर, मतलब काफी अच्छी क्वालिटी का वायर यहां पे यूज किया गया है। अगर इस पार्ट की बात करूं तो यहां पे भी काफी अच्छी क्वालिटी का वायर है। और ये जो मैग्नेट के ऊपर यहाँ पे रबड़ का पूरा फिनिश दिया हुआ है, जो मुझे पर्सनली काफी सही लगा। ओवरऑल जो बेल्ट क्वालिटी है मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। अगर इस पार्ट की बात करूं तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लगा मेरे को ये, थोड़ा सा मतलब इसका प्लास्टिक चीप सा लगा मुझे। मतलब ये आप देख सकते हो थोड़ा सा इसे चीपनेस सा लगता है इस एरिया में, और थोड़ा सा बड़ा भी है तो थोड़ा चीप लगता है। बाकी ओवरऑल जो बेल्ट एंड डिजाइन है वो काफी सही लगा मुझे। अगर ओवरऑल मैं रेटिंग दूं तो मैं दूंगा 8.5 out of 10। अब बात करूंगा मैं ब्लूटूथ की और कनेक्टिविटी की। तो गाइस, इसमें हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिलता है, नॉर्मल है, बेसिक है, सब में मिलता है हमें। अगर बात कनेक्टिविटी करूं तो वो मेरे को थोड़ी स्ट्रॉन्ग लगी, मतलब काफी 10 से 12 मीटर आप मान सकते हो। और बात अगर मैं कनेक्शन की करूं, टाइम की करूं, तो लिटरली में काफी फास्ट है। जैसे ही आप इसे ओपन करते हो लिटरली में कुछ ही सेकंड्स में ओपन हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ फास्ट वायरिंग का फीचर नहीं है तो भी काफी ज्यादा स्पीड में ओपन हो जाता है, तो वो चीज मुझे पर्सनली इसकी काफी सही लगी। मैं यहाँ पे बैटरी और चार्जिंग की बात करूंगा। कंपनी क्लेम करता है 28 आवर्स की बैटरी लाइफ के साथ आता है, और यहाँ पे मैंने टेस्ट किया, 25 के आसपास का बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा। ऐसा कोई इसमें खास फीचर नहीं है जो इसका बैटरी कंजप्शन ज्यादा हो। इसमें एक लो लेटेंसी है, और वो भी कंपनी ने बताया नहीं कि कितना लो लेटेंसी है, तो यहाँ पे मेरे को कंफर्म नहीं है कि इसमें लो लेटेंसी कैसा है। तो यहाँ पे जो बैटरी कंजप्शन है वो ज्यादा नहीं होता है, नॉर्मल बैटरी कंजप्शन होता है। और आपको 25 घंटे के आसपास का बैकअप मिल जाएगा। अगर आप फुल वॉल्यूम में यूज करते हो तो फिर आपको आराम से 22-23 घंटे के आसपास मिलेगा, और अगर आप लो वॉल्यूम में यूज करोगे तो आपको 26-27 घंटे के आसपास का बैकअप मिल जाएगा। अब बात अगर चार्जिंग टाइम की करें तो भाई सुपर फास्ट चार्जिंग टाइम है, सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट्स क्लेम करती है कंपनी। और मैंने इसको चार्ज किया 0 से 100 सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में हो जाता है, और अगर आप इसे 10 मिनट चार्ज करोगे तो भी आपको 15-16 घंटे का बैकअप दे देगा। तो भाई ये चीज मेरे को पर्सनली काफी सही लगी, मतलब लिटरली में अनबिलीवेबल स्पीड है चार्जिंग, और बैटरी में काफी अच्छा काम किया ओप्पो ने। अब अगर एक्स्ट्रा चीजों की बात करूं तो गाइज, हमें इसमें 10mm के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। 10mm के ड्राइवर और ड्राइवर काफी सही लगे मुझे, काफी अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और अगर ईयरबड्स की बात करूं तो ये मैग्नेटिक भी है, मैग्नेटिक लॉक भी है इनमें, और इसमें प्ले पॉज भी हो जाता है। अगर आप इन दोनों को अलग करते हो तो ये ओपन हो जाता है, और अगर वापस दोनों को मिला देते हो तो ये लॉक हो जाते हैं, तो ये भी इनकी काफी अच्छी बात है। उसके अलावा अगर और एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूं तो इसमें हमें IP55 की रेटिंग देखने को मिलती है, वाटर प्रूफ है और थोड़ा बहुत मतलब डस्ट प्रूफ मान सकते हो आप। और इसी के साथ हमें AAC कोडेक देखने को मिलता है, SBC तो नॉर्मली मिलता ही है, और मेरे हिसाब से LDAC कोडेक होता तो और बेटर रहता, क्योंकि जो M32 है उसमें एक एक्स्ट्रा कोडेक था, Realme Buds 2 में भी एक्स्ट्रा कोडेक है, लेकिन यहाँ पे ओप्पो ने कोई एक्स्ट्रा कोडेक नहीं दिया है, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा। लेकिन कोई ना, AAC भी काफी अच्छा काम करता है। एंड में बात करूंगा मैं साउंड क्वालिटी की, बेस क्वालिटी की, मिड्स की, लोस की, सब की। तो ओवरऑल यार मेरे को मतलब काफी अच्छे लगे। नॉर्मली जो 2000 वाली प्राइसिंग है ना, इसमें मैंने 4 बेस्ट प्रोडक्ट फाइंड किए, उनको यूज किया, और लिटरली में बहुत ही तगड़ा बेस और साउंड मेरे को इसमें मिला। लिटरली में लाइक मैं अगर रेटिंग दूं तो जो मिड्स एंड लोस है वो काफी अच्छे आते हैं, बेस्ट आते हैं 2000 की प्राइसिंग में। जो छोटा साउंड होता है ना वो बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होता है इसमें। और अगर बात मैं बेस की करूं तो भाई बेस भी काफी अच्छा है, अगर मैं रेटिंग दूं तो 9 out of 10 दूंगा। काफी बूस्टेड है, काफी लाउड है। अगर आप बेस लवर हो ना तो भी आपको मजा आ जाएगा इस प्रोडक्ट को यूज करके, काफी मतलब पंची बेस है, काफी मतलब आपको मजा आ जाएगा लिटरली में। और साउंड क्वालिटी काफी अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा नहीं कि बहुत ही घटिया साउंड क्वालिटी, काफी अच्छा साउंड क्वालिटी, एकदम मेंटेन्ड है, एकदम बैलेंस प्रोडक्ट है साउंड में और बेस में। मतलब बेस तो काफी बूस्टेड है, और जो मिड्स है वो काफी अच्छे से प्रोड्यूस होते हैं, और साउंड क्वालिटी में भी ओप्पो ने काफी अच्छा काम किया। तो जो साउंड बेस और बिल्ट इसमें मेरे को कोई भी शिकायत नहीं है ओप्पो से, काफी अच्छा काम कंपनी ने किया, मतलब लिटरली में काफी मस्त काम किया है। अब अगर बात मैं गेमिंग की करूं तो देखो, मैं पर्सनली आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप ब्लूटूथ पे गेमिंग करो, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं वायर्ड हेडफोन्स पे जाओ। लेकिन कंपनी क्लेम करती है कि इसमें एक लो लेटेंसी का फीचर है, लेकिन
लेकिन कंपनी ने कुछ भी नहीं बताया, ओप्पो ने कुछ भी नहीं बताया कितना लो लेटेंसी है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा गेमिंग के लिए प्रोडक्ट। अगर आपको गेमिंग करना है ना तो आप वायर्ड ईयरफोन्स की तरफ जाओ, वो बेस्ट है, उनकी तरफ जाओ। सो अब बात आती है मेरे ओपिनियन की, मेरे कंक्लूजन की और मेरे सजेशन की। तो देखो मैंने ना रिसेंटली 4 ईयरफोन्स बाय किए हैं इस प्राइसिंग में 2000 के नीचे, और जो 4 बेस्ट थे ना उनको मैंने बाय किया, मतलब मेरे पर्सनल फेवरेट और जो बेस्ट थे स्पेसिफिकेशन वाइज उनको मैंने परचेस किया है। ये वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, इसमें पूरी डिटेल से सब कुछ बताया कि आपको कौन सा परचेस करना चाहिए 2000 के नीचे। तो यहाँ पे जो मेरा सजेशन रहेगा वो यही रहेगा कि अगर आपको 2000 आपका बजट है तो आपको किसकी तरफ जाना चाहिए। तो देखो गेमिंग अगर आपको करना है तो लिटरली में मत जाना, अगर आपको बेस पसंद है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, अगर आपको साउंड पसंद है तो भी आप इसकी तरफ जा सकते हो, और आप एक नॉर्मल यूजर हो जिसको एक प्रीमियम नेकबैंड टाइप का प्रोडक्ट चाहिए और एक बैलेंस प्रोडक्ट होना चाहिए तो ये आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। OnePlus Buds Wireless Z2 है और Oppo Egno M32 है, मैं यही दोनों रेकमेंड करता हूं अगर आपको एक बैलेंस प्रोडक्ट चाहिए तो। और Oppo वाले काफी अच्छे हैं, अगर आपको 1500-1600 रुपए के प्राइसिंग में मिलते हैं तो बेस्ट डील है भाई, 1800 रुपए में भी ये वैल्यू फॉर मनी है, मेरे को काफी सही लगे, काफी अच्छे प्रोडक्ट है। अगर आप इसे परचेस करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, लिटरली में काफी अच्छे हैं, काफी वैल्यू फॉर मनी है, सब चीज में काफी बढ़िया है। सिर्फ और सिर्फ मेरे को थोड़ा सा मतलब ये जो मॉड्यूल है थोड़ा सा सही नहीं लगा, ये मेरे को उसका कौन लगा, बाकी इस प्रोडक्ट में जो भी चीजें वो मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। ओवरऑल मस्त प्रोडक्ट है, अगर मैं ओवरऑल रेटिंग दूं तो मैं दूंगा 8.5 out of 10। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो आपकी हेल्प हुई तो लाइक कर देना, 120 लाइक्स का है। चैनल पे ऐसी क्वालिटी टेक वीडियोस आती रहती है नए नए मोबाइल्स की, साउंड प्रोडक्ट्स की, तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है ना उसे प्रेस कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने एक छोटा सा 1 लाख सब्सक्राइबर्स का है, तो मतलब उसे पूरा करने के लिए सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और आजकल अपन इंस्टा पे रील्स भी बना रहे हैं तो वहां पे भी आ जाओ, वहां पे भी फॉलो कर लो, वहां पे भी सपोर्ट दिखाओ। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, बाय बाय।